हेलो, मैं हूँ जावेद और ये हमारी थर्ड वीडियो है सबलाइम टेक्स्ट के बारे में। इस वीडियो में हम कलर स्कीम्स और थीम्स को देखेंगे कि हम इसमें कौन सी थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और कौन सी कलर स्कीम हमारे पास मौजूद है या इसमें न्यू कलर स्कीम कैसे डाल सकते हैं। थीम्स के लिए तो सबसे पहले हमारे पास पैकेज कंट्रोल का होना लाजमी है, उसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट इसमें कलर स्कीम्स है वही है, लेकिन थीम्स कोई नहीं है, ये इसकी सिंपल डिफ़ॉल्ट थीम है। हमने नई थीम इंस्टॉल करनी है, उसके लिए हमें पहले कंट्रोल पैकेज इंस्टॉल करना होगा। पैकेज कंट्रोल आप ही टूल्स में आएंगे और इसमें ये लास्ट पे इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। पहले ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, हमें कंसोल में डाल के करना पड़ता था। इसके वेबसाइट से एक कोड होता था, वो कॉपी करके यहाँ पर डालना पड़ता था, उससे ये इंस्टॉल होता था। लेकिन अब इन्होंने बिल्ट इन इधर ये बटन बना दिया, हमारे पास ये पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल हो गया। अब हमें थीम इंस्टॉल करने के लिए या कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए पैकेज कंट्रोल पर क्लिक करें। ये टूल्स में जाके पैकेज कंट्रोल पर, अभी हमारे पास ये आया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पर हम यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सीधा लिख दें कि इंस्टॉल पैकेज, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे लोडिंग रिपॉजिटरीज, ये यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कोई भी। हमने अभी थीम इंस्टॉल करनी है तो आप कोई भी अच्छी सी थीम या गूगल से देख सकते हैं, या आपको अगर पता हो हम गूगल से सर्च करते हैं। एक थीम है जो मुझे याद है, मैं यूज़ करता था, मटेरियल नाम से शायद। ये थीम है शायद, इसका गिटहब का पेज है जी, बिल्कुल यही थीम है। आप और भी गूगल से सर्च कर सकते हैं इसकी थीम्स, वहाँ पे सीधा सीधा लिखें सबलाइम थीम्स, या इसकी वेबसाइट से आप वहाँ से प्लगइन से सर्च कर सकते हैं। टॉप प्लगइन में थीम भी उसी में से आती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसे सबलाइम टेक्स्ट में आके मटेरियल, ये आ गई, इस पर क्लिक कर दें तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये नीचे देखें स्टेटस बार पे, यहाँ पे इंस्टॉलिंग पैकेज मटेरियल थीम, और इसमें आप कलर जो कलर स्कीम्स है वो भी डाल सकते हैं। हर थीम के साथ कुछ जो कलर स्कीम्स होते हैं वो बिल्ट इन भी होते हैं, लेकिन कुछ हमें खुद भी डालने पड़ेंगे। ये आपके नेट इंटरनेट की स्पीड पे है, जितना तेज़ इंटरनेट उतना ही जल्दी इंस्टॉल करेगा। मेरा अभी शायद डाउनलोड लगी हुई है या वाईफाई यूज़ हो रहा है। और हम कलर स्कीम देखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम होता है जब आप सबलाइम टेक्स्ट न्यू इंस्टॉल करते हैं। आपके पास शायद ये हो अभी, हम पैकेज कंट्रोल में जाके कोई दूसरा पैकेज भी सर्च कर लेते हैं, जो कि एक ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट हाइलाइटर। दोनों एक साथ इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक कोई दूसरी थीम सर्च करते हैं,
हमारे पास ये दोनों इंस्टॉल हो गए, डीम भी इंस्टॉल हो गई है। अब इसको डीम को इनेबल करने के लिए हमें किधर गया पेज, वापस बैक करके गिटहब के पेज पर आते हैं, टेरियल डीम गिटहब, ये पेज था। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह आप इसके कौन से स्टाइल को आप लगाना चाहते हैं उसके लिए, और इसमें दो स्टाइल है, एक डार्क है और एक लाइट। यहाँ पे पूरी इसने डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं आप और क्या क्या है इसके। हमने ये कर लिया सारा, और ये कोड आपको कॉपी करना होगा, ये दो लाइंस जो है। इसमें कलर स्कीम भी आती है, इसकी डीम भी आती है। सबलाइन टेक्स्ट में जाए, यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाए और सेटिंग में, ये सेटिंग में आप ये नई विंडो, हमारे पास नई विंडो खुल गई है। इसमें कुछ जो सबलाइन के बिल्ट इन वेरिएबल आप कह लें या प्रेफरेंसेस सेटिंग है वो है, यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस फाइल से करना, जैसे कि कॉलम वगैरह, वर्ड रैप और टेक्स्ट इन एंड डी ए वगैरह। हमारा मेन काम अभी इस पे, अभी जो कलर स्कीम है वो ये डिफ़ॉल्ट जो मोनोका है कलर स्कीम है वो हुआ हुआ है, और फॉन्ट साइज 11। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं फॉन्ट साइज़ को, और कलर स्कीम यहाँ से चेंज करनी पड़ती है आपको जब आप कोई डीम इंस्टॉल करते हो। उसको रिमूव करके हमने ये कॉपी पेस्ट कर दी, ये न्यू लाइंस इस नई डीम्स की। अब आप कंट्रोल एक्स दबा के सेव करेंगे, ये देखें न्यू डीम अप्लाई होगी, बहुत ही खूबसूरत डीम है ये, और इसमें न्यू 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 फीचर्स है और अलग सी स्टाइलिंग है। ये हम बंद करते हैं, मेन पेज में आए, देखें इसने बिल्कुल ये चेंज कर दिए हैं। इस टीम में काम करने का भी मज़ा आता है। ये हमारे पीएचपी का कोड और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं, सीएसएस, तो या इसके कलर स्कीम भी होंगे। यहाँ पे आप जाएंगे प्रेफरेंसेस में, कलर स्कीम्स में, और ये मटेरियल डीम हमने इंस्टॉल किया, इसके भी कुछ स्कीम्स होंगे, ये देखें डार्कर ये चेंज कर देगा। और वापस आप उधर जाएं, मटेरियल किधर गया, कलर स्कीम्स, मटेरियल नेम, और ये जो है डिफ़ॉल्ट है इसकी, ये लाइटर, और बाकी किधर आ गया, एक ये है, और जो डिफ़ॉल्ट है इसमें वो ये है। तो ये था हम किस तरह से इसमें टीम इंस्टॉल करते हैं या दूसरे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। जो सची ब्रैकेट हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, ब्रैकेट हाइलाइटर, उसका ये फ़ायदा है कि आपने ब्रैकेट कहाँ पे ओपन की हुई है और कहाँ पे क्लोज़ की हुई है, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता है कि यहाँ से आपने ब्रैकेट ओपन की हुई है और इधर क्लोज़ की हुई है। इसी तरह से अगर हम दूसरे किसी फाइल में जाएं, HTML की भी ये दे रहा है, इसी ये टैग का निशान है कि इसी लाइन में आपने टैग ओपन किया और इसी में क्लोज़ हुआ है। जिस तरह ये P टैग है, इस लाइन में हमने ओपन किया हुआ है, इसमें क्लोज़ हुआ है, यहाँ से आप इसे ये हाइड भी कर सकते हैं। और आपको अगर कलर स्कीम इंस्टॉल करने हो तो आप सीधा गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट जी कलर स्कीम, कोई भी वेबसाइट होगी उसमें zip फाइल में वो डाउनलोड करेंगे आप जो भी कलर स्कीम हो। फॉर एग्जांपल इसने पूरा तरीका इधर बताया हुआ है कि किस तरह से आपको डालने हैं। चले आप डाउनलोड करके वो सबलाइम टेक्स्ट में आएंगे,
इसमें ब्राउज पैकेजेस में, और इधर ही आप एक फोल्डर बना के उसे पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह का एक फोल्डर बना के कलर स्कीम की फाइल होगी जिप, उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे आप। फिर जब आप यहाँ पे आएंगे और कलर स्कीम में आएंगे तो वो यहाँ पे एक अलहदा सा ऑप्शन आ जाएगा उसी फाइल का। इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी देखेंगे कि सबलाइम लिंटर किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं या दूसरे प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।